फ्रेंड्स, स्वागत रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केले और मेथी की सब्जी। तो आइए देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए। तेल लिया है, नमक और मेथी, ग्रीन मेथी ली है चॉप करके, ग्रीन चिली, जिंजर, एक एक अदरक का टुकड़ा हमने ग्रेट करके लिया है, एक बड़ा केला संवार के लिया है, कांदा, हरा लहसुन और बेसन का 2 चम्मच लिया है, जो ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, हींग, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये लेमन का जूस और पानी ज़रूरत के हिसाब से। तो चलो सब स्टार्ट करते हैं। हमने गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। अभी हम इसमें मस्टर्ड सीड 1 चम्मच डालेंगे, उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे, राई के दाने क्रिकल हो जाने के बाद डालेंगे, तो क्रिकल होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे, उसके बाद इसमें हरा लहसुन है 2 कली जितना लिया है उसमें डाल देंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। उसमें हरी मिर्च और अदरक का पीस जो हमने ग्रेट करके लिया है वो डाल देंगे। फिर एक बड़ा कांदा हमने चॉप करके लिया है वो डाल देंगे। अभी इसको बराबर से पकने देंगे। कर लिया है हमने ठीक से, अभी और ब्राउन नहीं होने देंगे। अभी इसमें हम मेथी, ग्रीन मेथी हमने ली है चॉप करके वो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जब तक उबलेगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और गरम मसाला लिया है 1 चम्मच जितना, 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे और इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे। अभी ये मिक्स हो चुका है, अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथी का वो वगार तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ी देर मेथी को ऐसे ही ढककर पकने देंगे, ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर। तो चले अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो बेसन के घोल के लिए हमने बेसन का आटा लिया है 1 चम्मच जितना लिया है, आधा ही जरूरत पड़ेगी तो आधा और डालेंगे। अभी इसमें ये गरम मसाला थोड़ा सा है डाल देंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधे चम्मच जितना मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर,
थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा घोल तैयार हो गया है। यहाँ हमारी सब्जी भी उबल चुकी है। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अभी सब्जी में डाल देंगे। तो हमारी ये सब्जी उबल चुकी है, उबल के तैयार है। अभी हम इसमें ये बेसन का जो घोल हमने तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल के हिलाएंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि बेसन का आटा बराबर से पक जाए और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के पकने देंगे। हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जी हो गई है या नहीं। देखिए उबल गई है, बेसन का आटा बराबर से मिक्स हो गया है, पकने की खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें 1 चम्मच जितना लेमन का जूस डालेंगे। और फिर हमने केला संभाल के लिया है वो डाल देंगे। इसको बराबर मिक्स कर लेंगे और 1 या 2 मिनट तक इसको थोड़ी देर पकने देंगे, केला बराबर मिक्स हो जाए। तो चलो देखते हैं हो गई है या नहीं हमारी सब्जी। अभी हो गई है, केला बराबर अंदर मिक्स हो गया है। अभी हम सर्विंग बाउल में उसको सर्व करेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। तो तैयार है हमारे मेथी केले की सब्जी। बनाइए, अपने अनुभव जागृति वेज फूड पे शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक